Hey guys, hi everyone. This is Abhishek, Master Digital Officer Vedantu. कैसे चले रोज की जिंदगी? सब बढ़िया एकदम. कुशल मंगल सुमन सब. Hi everyone, what's up? Hi Nijam, what's up people? Hi everyone. Yes, yes, yes. So we are here with a huge number of crowd and we can see a lot of things happening today. कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया एकदम. Hi everyone, what's up? Thank you so much. Yes, yes. Good evening, good evening, good evening. What's up people? Yes. Okay, great. अरे नो इश्यूज अनिकेत जी, नो इश्यूज एट ऑल. हाय बड़ी, हाय पीपल, हाय प्रियांशु, हाय बिस्मा, हाय प्रगति, हाय अनिकेत, हाय आदित्य, हाय यश, पूर्व जी, नमस्ते 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 नमस्ते. गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग पीपल. एक बार जोरदार बल्ले बल्ले हो जाए यार, एक बार जोरदार बल्ले बल्ले हो जाए. बल्ले बल्ले के साथ स्टार्ट करते हैं ना हमेशा. बल्ले बल्ले हो जाए एक बार जोरदार जल्दी से. क्या बात है, क्विक बल्ले बल्ले. ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब. आई गेट सी 300 स्टूडेंट्स राइट नाउ. And yes, since it's a CBC 10th session, we will cross 1,000 students today and we will have a country level, national level quiz today on VIP. That is a very important problem series where all the questions you are going to get is going to be from your previous year board questions, and all of them are the super most important questions. From which topic? From this topic right now, we are starting the brand new chapter, which is Human Eye and the Colorful World People. Mazedar. मजा आ गया ना. तो ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड के ऊपर आज हम वीआईपी सीरीज करने वाले हैं. एंड द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट. डिस्पर्शन के टॉपिक से जितने भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आज ला चुका हूं. कुल मिला के 8 सवाल है और जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है कि आखिरी जो 2 सवाल है वो होने वाले हैं एकदम सवाल एकदम चिकने सवाल होने वाले. आखिरी 2 सवाल, उसके पहले के सवाल जो है इजी होंगे, मजा आएगा करने में. आखिरी 2 सवाल करने में और ज्यादा मजा आएगा, वो भी इजी है. वैसे भी डिस्पर्शन ऑफ लाइट से ज्यादा हार्ड सवाल नहीं आते बोर्ड में, लेकिन जो आते हैं वो स्कोरिंग होते हैं और ये वही टॉपिक से जहां पे हमें स्कोर करना है ना पीपल. पाड़े कितना जोश है, इतना ही जोश है. स्पैमिंग ज्यादा नहीं दिख रही आज मेरे को, आज मेरे को चैट में स्पैमिंग ज्यादा नहीं दिख रही है. कितना जोश है बच्चों, जोश ज्यादा है कम है? जोश ज्यादा है कि कम है? How's the Josh? Yeah, that is what I'm talking about. Yes. हाँ, ये हुई ना बात. चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब मचाते हैं. ठीक है, चलो let's go forward people. तो अगर दिमाग में कोई भी डाउट है, एग्जाम प्रेशर कुछ चल रहा है, तो ये वीडियो जरूर जरूर देख लेना. स्पेक्ट्रम बाई वेदांतु का चैनल है, स्पेक्ट्रम बाई वेदांतु. गो फॉरवर्ड एंड चेक आउट दैट वीडियो. इट्स गोइंग टू हेल्प यू गाइस अ लॉट, इट्स गोइंग टू रिलेट टू यू गाइस अ लॉट. सो मेक श्योर दैट यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड इन केस यू एंजॉयड, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल. एक्चुअली कल हमने स्पेक्ट्रम चैनल में एक और नया वीडियो डाला था, विच इज एम आई स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटी. दैट्स अ वेरी बिग गुड सेशन. आई होप यू गाइस माइट हैव लव्ड इट, है ना. चलो डिस्कशन ऑफ वीआईपी सीरीज का एपिसोड नंबर 1 फॉर ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड. हमने ह्यूमन आई को दोबारा दिला रहा हूँ, ह्यूमन आई को डिटेल में पढ़ लिया ऑलरेडी. वी हैव कंप्लीटेड रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्शन थ्रू अ प्रिज्म, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रेनबो फॉर्मेशन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड ऑल इट्स एप्लीकेशंस, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड इट्स एप्लीकेशन. ये चारों टॉप 5 टॉपिक्स हमने डिटेल में पढ़ लिया है. उमंग सीरीज का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट आपको हमारे होम पेज पर मिल जाएगी. वैसे ही ह्यूमन आई चैप्टर से पूरा जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है वो भी हमने कर लिया है. वो एनसीईआरटी चैप्टर के बीच के सवाल हो या चैप्टर के एक्सरसाइज सवाल हो, वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है. डेफिनेटली डू चेक दैट आउट. ठीक है, होमवर्क दे पिछले सेशन में, देखते हैं किसने जवाब दिया. हमारे होमवर्क रॉकर्स आज आईसीसी 10th में होमवर्क रॉकर बनने के बाद, और बहुत बार सीबीसी 10th में होमवर्क रॉकर बनने के बाद, विधि जी, हमारी अपनी ऊला लाला विधि जी इज ऑन दी होमवर्क रॉकर टॉप पर्सन टुडे. तो विधि जी कैसी हो आप? सब बढ़िया. क्या बात, बहुत अच्छी बात है. आई कैन से अनिकेत जी इज ऑन दी सेकंड, कांग्रेचुलेशन अनिकेत जी, वेरी वेरी नाइस. ही सेड फेवरेट पार्ट वाज दैट यू केम 3 टाइम्स इन अ डे. हां, पिछले वीक भी 3 बार आए थे. क्या बात है. अर्चिता जी इज ऑन दी थर्ड पोजीशन, कांग्रेचुलेशन पीपल, वेरी वेरी वेल डन, फैंटास्टिक. आई कैन सी फोर्थ, सुधा जी हमारी फोर्थ पे है. क्या बात है सुधा जी, राम नाम. जितेंद्री जी इज ऑन दी फिफ्थ, राघव इज ऑन दी सिक्स्थ. ओह माय गॉड, अ लॉट ऑफ यू गाइस, ऑल दी नेम्स आर टुडे आर वेरी कॉमन नेम्स इन आवर सेशंस, है ना. कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु आर देयर ऑन दी होमवर्क रॉकर्स लिस्ट. टुडे देखते हैं कि एंड के लीडर बोर्ड में कौन सबसे ऊपर आता है, क्योंकि टॉप 10 का जो नाम है आपको पता है कि हमारे वेदांतु चैनल के यूट्यूब स्टोरी पे आएगा. देखते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं, फिर वीआईपी चलते हैं. चलो ये वीआईपी आपके सामने, आज हार बिल्कुल नहीं माननी है ना निकिता जी. थैंक यू सो मच निकिता जी. बल्ले बल्ले बोलो जोर से, जल्दी से ज्वाइन करो. फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स हु आर जॉइनिंग फॉर दी फर्स्ट टाइम ऑन टू अवर चैनल एंड ऑन टू अवर सब्जेक्ट, वेलकम टू दी फैमिली पीपल. एंड पीपल हु आर जॉइनिंग मेंटी, लेट मी टेल यू व्हाट यू नीड टू डू. जस्ट गो ऑन टू menti.com ऑन गूगल क्रोम, दैट माइट बी ऑन मोबाइल डिवाइस और लैपटॉप और डेस्कटॉप, या कहीं पर भी जाते हो ना गूगल में, google.com जाओ. पिछली बार अनिकेत जी को पकड़ा था, आज किसी और को पकड़ते हैं. अनन्या जी हाय बेटा, अनन्या जी आप बताओ, सब बढ़िया एकदम. क्या बात है. अंकुर जी आप बताओ,
अंकुर जी बताएंगे अभी वो google.com के अलावा कौन कौन से .com से जाते हैं, तो वो सारे .com से जाने के बदले सीधा जाओ menti.com पे, और menti.com में जाने के बाद आपसे वो एक कोड पूछेगा, और वो कोड क्या है भाई, 5670719। आपको कोई भी अपना पर्सनल डेटा कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, बस एक कोड डाल दो, ठीक है। तो अंकुर जी कौन से .com में जाते हो google.com के बदले? अरे शर्माओ नहीं, बोलो vedantu.com में जाता हूँ सर मैं, ऐसे बोलो हम खुश हो जाएंगे, है ना। कोई बात नहीं, अनुभेश्वरी माता डाला, अरे नहीं डाला यार अनुभेश्वरी माता, कोई बात नहीं, हर एक क्वेश्चन के बाद हम बोलेंगे जरूर अनुभेश्वरी। हमारे पास यहाँ पे 600 बच्चे आ चुके हैं, देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे मेंटी भी कितने बच्चे जुड़ चुके हैं ना, एक बार देखते हैं। सही, अरे शाबाश, जल्दी जुड़ जाओ बच्चों, स्टार्ट करेंगे, धन धनाधन सवाल आएंगे लेवल। तो जब तक बच्चे जुड़ जाते हैं मैं बता देता हूँ आपको रूल्स क्या क्या आज के, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बहुत सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो दैट मींस इवन इफ यू ब्लिंक टुडे यू माइट मिस आउट द क्वेश्चन और द डिटेल, द टाइम विल बी द सेम। तो डायग्राम के बेसिस में आपको जवाब बताना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट है, शायद इस टाइम में हो नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश करना कि आप लोग पूरा फोकस यहां पे दो, ठीक है। नाउ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, यू ऑल नो व्हेन द व्हाइट लाइट पासस थ्रू अ प्रिज्म इट डिस्पर्सेस इनटू इट्स 7 कांस्टेंट कलर्स एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। On the basis of this topic, we are going to go through a lot of questions today, very important one on the board examination which has come. I've divided this quiz into three categories, level 1, level 2, level 3, in terms of difficulty levels. Level 1 ke sawal 1 mark ke honge, bahut simple, 3 sawal milenge aapko, 3 sawal ke baad leaderboard milenge. Level 2, 2 se 3 marks ke, again you will have 45 or 60 seconds to vote. Level 3, aakhri sawal, 2, aha sawal, aapko milenge shayad 60 or 90 seconds based on the question. Ready? Okay. I could see almost 500 of you guys are joining. Not able to join. Refresh कर लो एक बार, refresh कर लो। यार ये menti में ना आजकल बहुत सारे issues होने लगा है। तो मैं एक बार इसको refresh कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार refresh करके आ जाता हूँ मैं। Great. जुड़ गया? हाँ, अब शायद जुड़ पाओगे। आजकल menti में बहुत सारे errors होने लगे हैं। This is active. Now you guys can join. ठीक है? चलो. Okay. Yes. So everyone who is joining for the first time, remember that even if you miss out one question or due to internet issue, you drop down, you can rejoin. You can always rejoin Menti. Don't worry about that. Okay, people? So, let's start the countdown. The code is 5670719, people. Always on your screen. Let's start the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and people, question number 1 coming on your screens. Level 1 problem, 1 mark question, bahut hi simple, ye raha aapke samne. Which of the following is a natural phenomenon which is caused by the dispersion of sunlight in the sky? Dispersion ki wajah se kaun sa natural phenomena hota hai? Twinkling of stars, stars seem higher than they are actually are, advanced sunrise and delayed sunset, or rainbow? Which one do you think is the answer? Samiksha ji, bahut bahut shukriya beta, really means a lot. Hey Ananya, what's up? Batao. Samiksha ji, bahut badhiya again. Rainbow, pakka? रेनबो लग रहा है आप लोगों को? अच्छा, ऑप्शन डी लग रहा है। बहुत बच्चे एडवांस सनराइज से डिलेट सनसेट भी कह रहे हैं, कोई बात नहीं बच्चों, यू हैव 5 सेकंड्स मोर, 4, 3, 2, 1, पार्टी, टाइम इज अप। ओके, लेट्स सी, द आंसर इज प्रीटी सिंपल, यस ऑफ कोर्स इट इज रेनबो, रेनबो इज द डैम करेक्ट आंसर। रेनबो भाई 7 कलर्स, डिस्पर्शन में तो ही होता है ना, रिलेट, व्हाट इज डिस्पर्शन? व्हाइट लाइट कम्स इनटू द प्रिज्म, इट डिस्पर्सेस इनटू 7 कलर्स, रेनबो में 7 कलर्स, प्रोमिनेंट कलर्स, 7 प्रोमिनेंट, सिर्फ 7 कलर नहीं, इन्फिनिट कलर्स में डिस्पर्स होती है, दिखता में 7 है, अलग बात है, ठीक है। तो रेनबो फॉर्मेशन इज द करेक्ट आंसर। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज एन एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, अगले सेशन का वीआईपी। Stars seem higher than they appear, atmospheric refraction. Advanced sunrise and late sunset, atmospheric refraction. Only rainbow is a part of dispersion of light. That was question number 1 for you. Rishika ji, main patle lag raha hu. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, people. Bas ye sunne ke liye. Question 2. On your screen, people. Let's go. Here it is. Very simple question again. Again, 1 mark. Theek hai? Are you late? Tanya, not that late. Ananya, not that late. When white light enters a glass prism from air, the angle of deviation is least for blue light, yellow light, violet light, red light. Kis color ka angle of deviation least hota hai? Ye bhi padha hua hai humne. Umang series mein humne padha tha. Jin bachche, jo bachche humare saath umang mein the, bahut badhiya. These are fundamentals of dispersion, people. Level 1 questions are fundamental concept level questions of dispersion. If you are not able to give any question right for level 1, that means aapka concept mein bahut bada crack padha hua hai. मतलब भूकंप आया हुआ है वहां पे, अर्थक्वेक आया हुआ है, जोड़ना है आपको सब एक साथ। तो उमंग सीरीज का वीडियो देखोगे
उमंग का वीडियो देखो जाके, चेकआउट करके डिस्पर्शन ऑफ लाइट का सेशन डिटेल में पढ़ा हुआ है हमने, चेक इट आउट ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। रेड लाइट इसी करेक्ट आंसर, एनी रीजंस, जल्दी बताओ व्हाई रेड लाइट, व्हाई डज रेड लाइट हैज द लीस्ट डिविएशन, गिव मी द आंसर इन वन वर्ड। मिक्सलिक हो गया, अरे मनन जी के करते हो बेटा, जल्दी बताओ। हाँ परफेक्ट, यस वेरी गुड निधि, वेरी गुड भूमिका, गौरांग, यस कुणाल, अंशिका, आशा, कृष्णा, सहाना, प्रियांशु, देविका, ज्योति, मिस्टर ठाकुर, शरण्या, सिंह जी, बहुत बढ़िया सुमीच, बहुत बढ़िया पीपल राहुल, यस पीपल एग्जैक्टली करेक्ट, द आंसर इज वेवलेंथ। जिस कलर ऑफ लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है उसमें डिविएशन कम होती है। क्यों होती है भाई कम? क्योंकि जिस कलर लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है उसकी स्पीड भी ज्यादा होती है, और जिसका स्पीड ज्यादा होता है उसमें डिविएशन कम होता है, क्योंकि स्पीड एंड डिविएशन देयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, वी नो अबाउट इट, है ना। और यहाँ पे सबसे ज्यादा डिविएशन किसका होगा? वायलेट लाइट का। वायलेट लाइट विल हैव द हाईएस्ट डिविएशन बिकॉज इट हैज द लीस्ट वेवलेंथ, लोएस्ट डिविएशन ऑफ रेड लाइट बिकॉज इट हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ, समथिंग विच वी नीड टू रिमेंबर। ऑल दिस क्वेश्चन एज आई सेड पीपल दे आर वन मार्क क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन, मिस नहीं करना, ठीक है। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, अविनाश जी लो दिल, मैंने भी दे दिया आपको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ लेवल वन, इसके बाद लेवल टू पे जाएंगे हम, ये रहा आपके सामने। लकी शर्मा जी हाय कर दिया आपको, लो हाय हिया, व्हाट्स अप हिया, व्हाट्स अप, सो स्वीट ऑफ यू जॉइनिंग हियर आल्सो, रिवाइजिंग, नॉटी गर्ल। नेम द साइंटिस्ट हु वाज द फर्स्ट टू यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द करेक्ट आंसर हियर, मुझे देखना है आप कौन बच्चे गलत आंसर देते हैं। सच बता रहा हूँ, इतना मजाक उड़ाऊंगा ना मैं, इतना मजाक उड़ाने वाला हूँ जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया इसका। आइजक न्यूटन, आइंस्टीन, केपलर, हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड, ऑलमोस्ट 800 बच्चे वोट डाउन कर रहे हैं हमारे पास यहाँ पे यूट्यूब पे, 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चों, लाइक 600 पे है, हिट द लाइक बटन राइट नाउ इन केस यू आर एंजॉयिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल द न्यू स्टूडेंट्स एंड प्रेस द बेल आइकन। हाँ ठीक है, आइजक न्यूटन वालों गुड जॉब, वन सेकेंड वेट, अल्बर्ट आइंस्टीन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, अल्बर्ट आइंस्टीन के पैदा होने से 50-100 साल पहले डिस्पर्शन हुई थी, समझ रहे हो आपको, 50-100 साल पहले, ऐसे बोलोगे। अच्छा और कौन है? केपलर भाई केपलर कहां का रहने वाला है बेचारा केपलर, हाँ कहाँ, वो 9th स्टैंडर्ड में प्लानिटरी मोशन के लिए बताया था बेचारे ने, उसको डिस्पर्शन में ला दिया, ठीक है ग्रेट। हंसु को बोल दिया आपने कि एक्सपेरिमेंट इसने किया, हंसु को बोला आपने, क्या हंसु का दिल दुख रहा है अभी, तुम्हें पता है हर्ष के बोलेंगे अरे मेरा नाम ले लिया तुम लोगों ने, ऐसे बोलेंगे अभी, देखो ऐसे नहीं करते बेटा, ऐसे नहीं करते, है ना। सो लेवल वन क्वेश्चन आर डन पीपल, लेवल वन क्वेश्चन आर डन, और सर याद है कि ऋषि जी, कोई बात नहीं ऋषिका जी, अच्छी है ना, एग्जैक्टली अरे निजाम सर सबसे ऊपर, ओ माय गॉड सच अ क्लोज कंपटीशन गोइंग ऑन बिकॉज ऑल ऑफ यू गाइस आर इन 2900 पॉइंट्स, लुक इट सर 2900 अमेजिंग निजाम, कांग्रेचुलेशंस बेटा, हाई फाइव टू यू, थैंक यू सो मच निजाम। लोला, दैट्स अ गुड नेम, लोला, वी आर गोना सजेस्ट, दिस इज द अदर नेम व्हिच आई एम गोना सजेस्ट फॉर हर्षप्रियम सर फॉर हिज किड व्हेनेवर इट इज बोर्न, व्हेनेवर ही और शी इज बोर्न, इट इज ही और शी इज बोर्न, ठीक है। लोला लड़का होगी तो लोला, लड़की हुई भी तो लोला, क्योंकि इट्स डू नेवर अंडरस्टैंड हाउ डू यू नो लोला इज स्त्रीलिंग, यू डोंट नो लोला इज पुलिंग आल्सो, करेक्ट, या दैट्स अमेजिंग, ग्रेट, ओके, आई कुड सी स्नेह जी इज ऑन, स्नेह जी कांग्रेचुलेशन स्नेह जी, वेल डन। संचित जी, मृदुल जी स्प्रिंट एक्स में मचा दिया, थैंक यू सो मच मृदुल जी। लकी यादव जी बहुत बड़े, अंजलि योगी जी नमस्ते, कैंचो प्रसून जी बहुत बड़े बेटा नमस्ते, थैंक यू सो मच। उज्ज्वल शरण्या फैंटास्टिक, सच अमेजिंग किड्स पीपल, सच अमेजिंग किड्स, ठीक है। तो वेरी 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 वेल डन, मूविंग ऑन टू लेवल टू। नाउ व्हाट वी नीड टू गैदर और व्हाट वी नीड टू यू नो लर्न फ्रॉम लेवल वन इज, अगर आप लोगों का मिस्टेक हुआ है लेवल वन में तो इसका मतलब ये कि डिस्पर्शन कॉन्सेप्ट में ही फंडामेंटली समथिंग रॉन्ग इज देयर, पढ़ा नहीं है हमने, क्योंकि लेवल टू के आगे से हम डिस्पर्शन के फंडामेंटल्स के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, डिस्पर्शन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं, इसमें भी ऑफकोर्स कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आने वाले हैं बहुत सारे। तो इट प्लीज मेक श्योर पीपल कि आप लोग उमंग वीडियो देखना डिस्पर्शन ऑफ लाइट का, ताकि ये जो गलतियां यहाँ पे कर रहे हो दोबारा ना दोहराओ, प्री बोर्ड्स में या बोर्ड्स, ठीक है। सबने नोट डाउन कर लिया, गिव मी क्विक प्रॉमिस, सबने नोट डाउन कर लिया जो भी गलती की है,
सर नाइन का स्प्रिंट्स करा दो प्लीज। अरे प्लीज बोलेंगे जरूरत है, मैंने बोला हुआ कुछ जनवरी में होगा, जनवरी में आप लोगों का नाइन्थ का होगा स्प्रिंट, आईसीसी 10 का स्प्रिंट होगा, दोनों का स्प्रिंट होगा, तो बोल दिया हमने ना, क्यों चिंता कर रहे हो, जब हमने कह दिया तो हो जाएगा, प्रॉमिस। चलो ठीक है, हाउ टू प्ले, ओके आई कुड सी समृद्धा, आई थिंक यू आर न्यू फॉर द सेशन बेटा, एवरीवन हु आर न्यू हु हैव जस्ट जॉइंड, गो टू menti.com ऑन योर मोबाइल ब्राउजर और ऑन योर लैपटॉप और योर डेस्कटॉप, पुट ऑन menti.com एंड दे विल आस्क यू अ कोड, द कोड इज 5670719। तो बच्चों एक बार जोरदार जय श्री हर्ष हो जाए, जय श्री हर्ष के साथ हम काउंटर दोबारा स्टार्ट करेंगे फॉर लेवल 2, लेट्स गो फॉरवर्ड जय श्री हर्ष, एंड यस 10 लेवल 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 एंड 3 मार्क्स, यू विल हैव 45 और 60 सेकंड्स टू वोट डाउन, 8 7 6 5 4 3 2 1 क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, 3 क्वेश्चंस लेवल 2, धमाकेदार मचाना है, वोट डाउन करो, चलो जल्दी से, पहला क्वेश्चन आपके सामने, मैस्कॉट डी कैपिनो कैप्रियो, डू लेट मी नो व्हाई, राइट, ओके, व्हेन व्हाइट लाइट एंटर्स अ प्रिज्म इट गेट्स स्प्लिट इनटू इट्स कांस्टेंट कलर्स, दिस इज ड्यू टू व्हाट, बेसिकली दे आर ट्राइंग टू आस्क यू व्हाई डज डिस्पर्शन हैपन, व्हाई डज स्पेक्ट्रम इज क्रिएटेड, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ ईच कलर, ईच कलर्स हैज सेम वेलोसिटी इन द प्रिज्म, प्रिज्म मटेरियल हैव हाई density, scattering of light. One very fundamental question of your board examinations. One very fundamental question. Please go ahead, people. Let's go. I could see a lot of you guys going for A. Okay, great. I could see a lot of you guys going for A. A lot of you guys going for D also. So A and D are very fundamental questions, fundamental options you guys are voting. ठीक है. Pen फेंक के मारने वाला हूँ. जो बच्चे D बोल रहे हैं ना, सर बोल रहा हूँ pen फेंक के मारने वाला हूँ. Scattering of light. The topic is dispersion of light, and you will vote for scattering of light. என்னடா? What's wrong with you? What's wrong with you people? सुबह उठो चवनप्राश खाओ. Option D is dispersion of light का topic चल रहा है, scattering of light. Oh, why does color is created? Dispersion, scattering. चवनप्राश खाओ. सुबह सुबह उठो, हर सर को याद करो, चवनप्राश खाओ, तब ठीक होगा जिंदगी. ऐसे नहीं करने वाली, ऐसे आगे नहीं बढ़ने वाली जिंदगी. शादी कैसे होगी आप लोगों की अगर ऐसे डिस्कशन ऑफ लाइट के टॉपिक में स्कैटरिंग ऑफ लाइट जवाब दोगे तो? है कैसी होगी शादी आप लोगों की ऐसे? अनिकेत जी आप बताओ यार, कैसी होगी शादी आपकी अगर ऐसे वोट करोगे तो? आप है देखो अनिकेत जी भी बताएंगे ऐसे नहीं करते बेटा, ऐसे नहीं करते, है ना, ये बोलेंगे तो अनिकेत जी बोलेंगे भी, है ना, सही, बहुत बहुत बढ़िया. तो पीपल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. व्हाई डज डिस्पर्शन हैपन? डिस्पर्शन इसलिए होता है क्योंकि हर एक लाइट का अलग वेवलेंथ होता है. ठीक है, चलो एक काम करो, मैं एक चीज लिख के देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लो ताकि बाद में गलती ना हो. ठीक है, डिस्पर्शन काहे होती है, फ्लो चार्ट है देखो, क्योंकि हर एक कलर का वेवलेंथ अलग होता है. ठीक है, वेवलेंथ इज डिफरेंट फॉर ऑल द कलर्स, एंड सिंस वेवलेंथ इज डिफरेंट, स्पीड इज डिफरेंट, एंड सिंस स्पीड इज डिफरेंट, refractive index is different, refractive index of all the light is different, and since refractive index is different, of course refraction is different. So the padha hua na humne absolute refractive index ka formula kya hai, absolute refractive index ka formula m is equal to c upon v, padha hua na humne ye, correct, aap log ne padha hua hoga kyunki december pahunch chuka hai bhai, agar ye formula nahi pata to fir सच बता रहा हूँ क्या कर रहे हो फिर जिंदगी में, है ना. एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी, इसमें क्लियरली दिख रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना कम रिफ्रैक्शन होगा, तो वही रिलेशनशिप मैंने आपको बोला यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा और अलग रिफ्रैक्शन भी होगी, सिंपल एज दैट. तो ये फ्लो चार्ट लिख दो यहाँ पे, अगर याद नहीं आपको ये टॉपिक, अगर आपने उमंग का वीडियो नहीं देखा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो. ओके, लीडर बोर्ड देखते हैं. हाय कृष्ण, केरला इंडिया, आयुष जी आपने सी बोला था. पहले बार कोई स्टूडेंट मुझे बोल रहा है सर मैंने सी बोला था, मेरा मजाक उड़ाओ ना. रुक जा, ऐसे ऐसे जब कोई ऐसे सामने से बोलता है ना, प्रोत्साहित करता है कि सर मेरा मजाक उड़ाओ ना, हम ऐसे मौका नहीं छोड़ते. तुम्हें देख के बेटा मुझे हर्ष की याद आती है. वेरी गुड निजाम, लोला वेरी गुड, स्नेह संचित मृदुल अंजलि नीरज शरण्या नमन जी, अरे नमन जी नमस्ते, गेम शो सब बढ़िया. अरे हमारे हर्षिल जी आ गए, हर्षिल जी
मास्टर है हर्षल जी, अभी तो नाम बदल दो, बॉलीवुड में सारी चीजें चल रही है न्यूज में, तभी ये नाम रखोगे क्या होगा क्या इज्जत रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ लीडर बोर्ड, लेट्स गो। अरे आसिर जी, हाँ हाँ या बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन्स, लेट्स गो पीपल। हाई फाइव टू एवरीवन, हाई फाइव एवरीवन इज आस्किंग, हाई फाइव टू एवरीवन। यस, अ स्टूडेंट ट्रेसेस द पाथ ऑफ अ रे थ्रू अ ग्लास प्रिज्म फॉर 4 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। On analyzing the diagrams, he is likely to conclude that the emergent ray is always parallel to the incident ray, is always perpendicular to the incident ray, is always parallel to the refracted ray, always bends at an angle to the direction of incident ray. Options padhte padhte aapka waqt nikal chuka hoga. Jaldi se. Sahi. Sir, aap Insta pe ho? Bilkul beta. Abhishek sir underscore Vedantu. डी ए, अच्छा डी लग रहा है, अभी डी लग रहा है और ए लग रहा है। अच्छा, इज ऑलवेज पैरेलल टू पैरेलल रे, इंसिडेंट रे। बेशर्मो, ये ग्लास स्लैब नहीं है, प्रिज्म है ये। ग्लास स्लैब में पैरेलल काहे होगा, काहे होगा ग्लास स्लैब में पैरेलल, प्रिज्म में पैरेलल क्यों होगा? ग्लास स्लैब अगर वोट किया ना मेजोरिटी ने, अरे यार द बेस्ट वे टू सॉल्व ऑल दिस थिंग्स, टू गेट द करेक्ट आंसर एवरी सिंगल टाइम व्हेनेवर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम पीपल, दिस इज व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू। तो जो भी पुराने बच्चे हैं शांत रहेंगे, मुझे पता है आप लोगों की बात पता है, लेकिन जो भी नए बच्चे हैं सुनो ध्यान से। व्हेनेवर यू गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस रॉन्ग, व्हेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट ग्लास प्रिज्म एंड यू आर टॉकिंग अबाउट ग्लास स्लैब एंड यू से पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, दिस व्हाट यू नीड टू डू। ठीक है, अगर आपके पास वाटर बॉटल कुछ रखा हो, ठीक है, अगर कुछ वाटर बॉटल में रखा हो, पानी साथ में रखा, अगर ऐसा रखा हुआ है तो इट वुड बी बेटर इफ इट इज अ ट्रांसपेरेंट बॉटल, सो रिफ्रैक्शन अच्छे से दिखाई देगी आप लोगों को, है ना। बॉटल कैप खोलने का, इसे हाथ में थोड़ा सा पानी लेने का, तो नाउ इट डजंट मैटर इट इज ट्रांसपेरेंट और इट इज ओपेक। पानी लिया, गिरना नहीं, देख क्या गिरना नहीं, ऐसे दोनों हाथ में फिर ऐसे बहाने का और डूब मरो उसमें। अगर ये जवाब गलत आया ये जवाब गलत आया तो बेटा उसमें डूब मर दो, कुछ नहीं कर सकते इसमें, और क्या करना है जिंदगी बचाई, क्या करना है और। यार आई एम वरीड अबाउट योर मैरिजेस नाउ, कैसी होगी शादी आप लोगों की। यस, कौन सा क्वेश्चन था? 5वां क्वेश्चन था, देखो भी ध्यान से, ठीक है, लुक इनटू दिस वेरी वेरी केयरफुली। इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू अबाउट अ ग्लास स्लैब, ठीक है, इफ द क्वेश्चन इज अबाउट अ ग्लास स्लैब देन यू आर करेक्ट, लाइट रे एंटर्स, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट्स पैरेलल, सो इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर पैरेलल, बट दैट इज नॉट द केस ऑफ द प्रिज्म। नो, अ प्रिज्म, अ लाइट रे इज इंसिडेंट लाइक दिस, इट विल रिफ्रैक्ट एंड देन द प्रिज्म ऑलवेज रिफ्रैक्ट्स द लाइट टुवर्ड्स इट्स बेस ऑलवेज। So the emergent ray is always at an angle to the incident ray. Now that might be perpendicular, that might be any other angle, but it is never parallel. That I'm sure of. That I'm absolutely sure of that. You know, incident ray and the refracted emergent ray are parallel in the case of prism. Disco thodi chal raha hai. Aise ghumte rahenge wo. Never happens that like that. I hope you get the idea. So see, this is how the refraction always happens, right? So option D is the correct answer, people. So make sure that you're not doing this part. Ye galti exam mein mat dohrana. ठीक है, चलो अब लीडर बोर्ड देखते हैं। हाँ यार, कौन कौन डूब मर रहा है, कौन कौन डूब मर रहा है बताओ। स्नेहल जी अनम्यूट कर दो, यूट्यूब में ऑप्शन नहीं अनम्यूट का। ओहो, वी आर टचिंग 1000 लाइक्स, वी हैव मोर देन 1000 स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू गाइस हैव बीन एंजॉयिंग टिल नाउ एंड ऑल ऑफ यू गाइस आर लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑल्सो। अगेन वन थिंग पीपल, वीआईपी सीरीज इज सॉल्विंग द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द टॉपिक्स स्टेटेड, नॉट going deep into the topics that we have already done before you guys were born, we have done it. Theek hai? So check out the Umang playlist. I'll show you at the end how to check out the playlist and all. Don't worry, but please. Theek hai? Very demotivating, Manish. Arey, beta, this is called as constructive criticism. Something which you learn in your life. Jab koi aise pyar se mazak udate bolta na, to aapko andar se lagta hai, agli baar ye paani mein doobna nahi hai main. I hope you guys take it right like that. Hai na? So, Nijam, congratulations. Naman, oh, Naman on the second from the 9th directly. Good, good. Sharanya, Harshal ji. काम कर रहा है, ये काम कर रहा है जिंदगी में, दिख रहा है मेरे को सीधा पोत पे, बहुत बढ़िया। लकी यादव जी, सिंचना, अरे सिंचना जी थैंक यू सो मच। मनोज, अक्षत, नमस्ते गोलू जी चौधरी, अक्षत, प्रसून, कंग्रेचुलेशंस, वेल डन यार, वेल डन पीपल, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, यू गाइस डन अ ग्रेट जॉब एंड वी हैव जस्ट क्रॉस 1000 लाइक्स, थैंक यू सो मच पीपल, यू गाइस आर रियली लवली। लास्ट क्वेश्चन लेवल 2, लेवल 2 हैज बीन क्रेजी ना, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। तो अभी पानी में नहीं डूबना है, अभी अपनी जिंदगी में सूरज को उगाना है। वाह 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 वाह,
here is a question. Let's go, people. Okay? All the best. Very simple question. Oh, I love this question. This is a diagram-based sawal. While performing the experiment to trace the path of a ray of light passing through a glass prism, four students marked the incident ray and the emergent ray. Let's say four students: Abhishek, Amritanand, Harsh Baba, Anubeshwari. There are four students. Who got the answer correct here, people? The diagrams that are shown below, the correct part of the light ray has been shown by whom? Batao. One, first, second, third, or fourth? Kone? Tell me quickly. What do you guys think? Sir, are 1000 likes? Oh, people. So let's have the target today as 1500. Yeah? Hit the like button right now, people. Come on. We have more than 1000 students. 1500 is a very easy thing. Let's go forward. First, second, third, or fourth? I could see almost 800 people have voted. I'm still wondering, jo YouTube mein 1000 bachche baithe hain, usme se 800 yahan pe hai, wahan pe 200 hai. Kya kar rahe ho 200 wale? Ghar mein machhar bahut hai, makkhiyan bahut hai. Ki achar banana hai. Kya kar rahe ho wahan pe? Menti pe aao beta. Free mein points milenge. नेशनल लेवल क्विज खेलोगे, रैंकिंग पता चलेगी, बेंचमार्क होगा, वीकनेस स्ट्रेंथ सब पता चलेगी. आ जाओ, क्या कर रहे हो, है ना? टाइम इज अप. दैट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, पीपल. दैट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट अट ऑल. यू गाइज हैव नेल्ड इट, नेल्ड इट. नाउ इफ आई कैन स्लो क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, देन आई कैन क्लैप लाइक दिस ऑल्सो फॉर ऑल ऑफ यू गाइज. फैंटास्टिक, दैट वॉज fabulous, people. Congratulations. This was not expected and you guys did absolutely crazy. It's okay if in case a lot of you guys give fourth also, I'm completely fine, because this, the moment it got inverted, naturally jab inverted prism dekhte hain, humko lagta hai ye to sahi ho hi nahi sakta, ye dono mein se koi ek sahi hoga, aise vote kar dete hain. Lekin aap logon ne us cheez ko ye kar diya ki nahi sir ho jayega. Bahut bade people, fantastic. I really love this about you guys. Amazingly awesome. Super proud of each and every one of you. Well done. So here, as I draw the prism's refraction in the previous question, light ray ऐसे आती है, refract होती है और emerge होती है prism के बाहर. हमेशा इस बात को याद रखना है कि prism हमेशा will refract the light towards its base. Please remember this. ठीक है? Please remember this, that the refraction of the light through a prism is always done towards its base. Actually, we have done a session called as decoding physics. I'm pretty sure you must have seen the series. In decoding physics, I have done this practically. Many of you guys must have seen. है ना? तो उसमें clearly बताया हुआ है कि कैसे होता है. Do check it out. It's an experimental thing. It's always towards the base. So of course, first is wrong. It is not towards the base. Second, it's towards the base, but the problem is कि at the first surface there is no refraction happening. There should be refraction happening. Great. So this is also wrong. Fourth one, light ray comes, light ray refracts, correct? But it's now again going away from the base. This is the base, so the light should bend like this. That's not happening. Third one, light ray came straight towards the base. Correct. Fantastic. Third one is correct. Right? Congratulations, people. You guys nailed that question. Well done. Let us check out the leaderboards for the question level 2. Great job. Well done, yaar. Well done. Ek bar ek dusre taali maar lo. Ek bar ek dusre ka taali maar lo. Bahut acha kiya aap logon ne. Super proud. Great. So I could say, arey yaar, looks like Nizam is on chicken today. He is high. Well done, Nizam. Fantastic. Number of the second, Sharan of the third. Arey, Harsh, kahan gaye? Lagta hai zyada ho gaye. Sharan ji on the third, Lucky Yadav on the fourth, Manoj on the fifth, Akshat ji on the fifth, sixth, Akshat again on the seventh, Prasoon on the eighth. Adi, five Hi-Fi Super Revision series will be coming up. Super Revision will be happening, don't worry. Samrat ji, congratulations. Well done, yaar. राघव जी, हेलो सर, कैन आई ज्वाइन नाउ? हाँ राघव, आ जाओ यार, मैं तो वेट कर रहा हूँ. राघव दिख नहीं रहा है मुझे लिस्ट में, वरना राघव हमेशा टॉप 10 में होता, दिख नहीं रहे हो. आ जाओ बीबल. सानवी कहाँ हो? सुधा जी कहाँ हो? दिख नहीं रहे आप लोग वैसे. आ जाओ. विधि, ये ना है तो ये बंदेला इधर है. आई एम नॉट श्योर वेदर आई सेड इट राइट और रॉन्ग, इट वॉज कन्नड़ा. जस्ट रिटर्न फ्रॉम स्कूल है सुधा. ओ टायर्ड है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. आई एम गोटा. अयो बकरी बना दे मेरे को. दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन समवन टोल्ड मी यू आर अ गोट सर. आइए आइए. सो या, आर यू क्विटिंग पीपल? आर यू क्विटिंग? दिस द टाइम व्हेन आई सी, एवरी टाइम आई से दिस इन द सेशन, आई सी अनिकेत टेलिंग मी क्विटिंग इज नॉट इन माय ब्लड सर. लेट्स सी, क्विटिंग इज इन योर ब्लड? क्विटिंग इज नॉट इन माय डिक्शनरी सर. ऑल द काइंड्स ऑफ थिंग्स आर, क्विटिंग इज नॉट इन माय blank, whatever you put it there, huh? That's what you're gonna say. Yeah, great. Hell no, very good, very good. So we're getting to level 3. This is the final time giving you a chance to become the part of Menti.
क्योंकि इसके बाद दिस आर द लास्ट टू क्वेश्चंस एंड द लास्ट टू क्वेश्चंस आर ऑलवेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन वीआईपी राउंड्स एंड दिस आर गोइंग टू बी आहा क्वेश्चंस, चिकने सवाल, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 दे आर गोइंग टू बी डायग्राम बेस्ड, दे आर गोइंग टू बी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, सो यू बेटर फोकस, ठीक है. दीज आर गोइंग टू बी 3 to 5 मार्क क्वेश्चंस. इन एग्जामिनेशन यू कैन फाइंड आउट इजिली 90 seconds, 5 minutes, 10 minutes टू डू दिस प्रॉब्लम्स, बिकॉज 3 to 5 मार्क क्वेश्चन यू कैन हैव दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम, बिकॉज सिंस इट्स मेंटी, of course you will not have that much amount of time, you will just have 60 to 90 seconds to do this, theek hai, it's competitive yaar, it's competitive, theek hai. So hell no, okay, so we are into here. So my parents never told to quit, that's the thing, Rishika, that's what I'm talking about. Good job. Two more questions. So I would like to see the number here as 1000. Come on, let's make it epic, people. 1000 people, and out of that top 10 will be there, out of which will be your top person. Let's go, people. अच्छा, गोट मीन्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. ओ अपडी, बट अगेन आई डोंट थिंक इट्स दैट, मतलब आई डोंट थिंक आई एम दैट. अगेन आई देयर लॉट ऑफ अदर अमेजिंग टीचर्स है ना. लेट्स गो. शरण्य जी आपका नाम लिया था मैंने, आप बोलती कहाँ हो, आप तो हो ऑलरेडी ना डॉक्टर शरण्य जी, जो नहीं थे उनका नाम लिया था. आ जाओ जल्दी से, ठीक है, रेडी, लेट्स स्टार्ट द काउंटडाउन पीपल, लेट्स स्टार्ट द काउंटडाउन फॉर द लास्ट टू क्वेश्चंस. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and here's your last second question for today. Let's hit it, people, let's hit it. A prism ABC with BC as base is placed in different orientations. A narrow beam of white light is incident on the prism as shown in the figure. In which of the following cases, after dispersion, the third color from the top corresponds to the color of the sky? Wow, that is some question. That is some question, yeah, that is some question. Arey Deepthi ji, love you too, beta. Come on. What do you guys think? B. Okay, majority of you guys are going with option B. That is 2. Okay, second one. This one you think is the colored one. Okay. A lot of things going with option A also. I can see A and B going on simultaneously. You still have 50 seconds more. I've given you 90 seconds to think about it. So do not hurry, buddy. Just focus, because these are the last two questions where a lot of you guys will be going out of the leaderboard and a lot of you guys will be coming into the leaderboard. Come on, people. Come on. 35 seconds more. Kill it. A, B, C, or D. We'll find out which is the correct answer right away. Come on. Let's go. I have full faith in all of you guys. All the new students, give it a hit. Beat this old people here. Beat this old people. They are there on the leaderboard from a long time. Beat this old. Kick them out of the leaderboard. Old people, don't allow the new people to come in. Defend your winning position. Come on. Come on, people. Yes. 13 seconds more. Great. Okay. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And the time is up, people. Let's find it out. Yeah, those two options were, oh, huge confusion between option A and B. This is absolutely fantastic. This is the confusion which I was looking forward to, because I actually did an analysis on this particular question online and I found out that 50% actually choose option A and 50% choose option B, and I wanted to prove that ki board examination mein sirf aisa hota hai ki bas sare jagah pe aise hota hai. So yeah, I think that's a proof ki option A aur B mein solid confusion hai. पता कंफ्यूजन क्यों है? अगेन द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पर्शन भूल गया, वो डायग्राम याद नहीं रहा. डिस्पर्शन में क्या डायग्राम होता है? विबग्योर कैसे बनता है? विबग्योर ऊपर से नीचे बनता है कि नीचे से ऊपर बनता है ना, ये भूल जाते हैं. करेक्ट. चलो, लेट्स फाइंड दैट आउट. आई विल शो यू गाइस द लीडर बोर्ड्स इन अ मोमेंट, बट बिफोर दैट पीपल, लेट मी टेल यू एन अमेजिंग न्यूज एज ऑलवेज. करेक्ट, हमने बता दिया था ये सेम सवाल आप लोगों के लिए फॉर प्रीवियस वीक, मैंने बता दिया था आप लोगों को फॉर सीबीएसई 10th ग्रेड. But for all the new students especially, let me tell that to you, that if in case you want to be at a place where you focus on focusing on 100% knowledge, then 100% of marks, exactly like you saw it on YouTube, we focused on the 100% knowledge through Umang sessions and everything. Then we start focusing on the 100% of marks through Sprintex, NCRT solution series, VIP series, one shots, super revision, a lot of other things, many quizzes, a lot of other things, correct? So if in case you're looking forward for this, people, you're at the right place, because from 21st December, let me repeat, 21st December, the revision or the crash courses are starting in Vedantu Pro subscription.
every student who are already a Vedantu Pro subscriber, you are gonna get this for absolutely free. You know that. But if in case you are not, this is the right time. Okay, so what you need to do, let me tell that to you very, very quickly. What's gonna happen in revision courses, let me tell that to you very, very quickly as well. All these students, again, who haven't studied yet, इतने दिन ऐसे घूम रहे थे ऐसे हाथ रख के, आज क्या करेंगे हम जिंदगी में, ऐसे जो घूम रहे थे, अभी अगर पढ़ना है तो बच्चों क्रैश कोर्स इज द राइट थिंग टू डू. डजंट मैटर इन वेदांतो और एनीवेयर एल्स, बट दैट्स द राइट थिंग टू डू नाउ. सेकंड थिंग, एवरी स्टूडेंट हु हैव स्टडीड एंड लाइक, आगे बताओ क्या करना है, रिविजन करना है, ऑफकोर्स दैट्स द राइट प्लेस. क्रैश कोर्स में रिविजन ही करोगे. पीपल हु हैव स्टडीड एंड रिवाइज ऑल्सो, देर लाइक हो गया, टेस्ट करना है अपने आपको, दैट्स द राइट प्लेस अगेन, करेक्ट, फॉर द टेस्टिंग पार्ट. Have to test yourself, where you're lacking, where you're not lacking. अपने आपको बाकी बच्चों मतलब बाकी दुनिया के कॉम्पिटिशन में देखना है ना कि भाई कितना वीकनेस है मेरा, कितना स्ट्रेंथ है मेरा, उसे देखना है ना, बिल्कुल बहुत जरूरी है भाई. That's gonna happen in your crash course. How so? Every class of crash course will have unlimited live classes. When you get the subscription, you get unlimited live classes in which the crash courses will just be a part of it. Then you can join much more crash courses as well, or more revision classes, or more other courses, whichever you want to. It's absolutely on you. ठीक है, बट इन ऑल दिस क्लासेस यू विल हैव लाइव क्विजेस लाइक दिस अमेजिंगली, वेयर यू आर गोना कंपीट विद स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, अंडरस्टैंडिंग व्हाट योर वीकनेस इज, वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, वेयर यू गोइंग राइट. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ. यू कैन आस्क एनी टॉपर, एनी एडवांस टॉपर, जेई टॉपर और नीट टॉपर, दे विल टेल यू अंडरस्टैंडिंग योर मिस्टेक्स एंड नॉट रिपीटिंग इट इज द की थिंग टू इंप्रूव. दैट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ऑफ कोर्स यू विल हैव इंटरैक्टिव रिप्लेस. व्हाट इज दैट? First time in the industry, what you're gonna have is all the live sessions are recorded as well. तो अब उसको record तो हम कर ही लेते हैं और आपको दे दिया जाता है free में. So they can watch it whenever you want it, and when you are watching it, you can actually play quizzes in the recordings also. How amazing is that? Super killing it, right? You can download the notes of each and every session along with the handwritten notes of the teachers. You can solve your doubts as well in the class. Why? Because in the class there are two teachers, a class teacher and a master teacher, solving your doubts inside the session, topic by topic in your crash courses. So all the doubts which you had in your mind till now or whether new coming in, put it forward. That's it. Okay? And of course you will get quality tests and assignments from previous year board questions, sample papers, test papers, mock papers, NCRT, NCRT exemplar, all the things you'll be coming in up together. So it's a one-stop solution. That's what I'm trying to say. Okay? So karna kya? Just go onto the link in the description, people. और ऑन द पिंड कमेंट जल्दी दिखाता हूं. ठीक है, लुक इन टू इट वेरी वेरी केयरफुली. जल्दी सब करके दिखाता हूं कैसे करना होता है. ये भी आ जाओ. अच्छा ठीक है, चलो ओके. सो लेट मी जस्ट ओपन माई, आई शो यू एग्जैक्टली वॉट यू गोना गेट, देन आई शो यू एग्जैक्टली यू नो कि कैसे ज्वाइन करना होता है. लुक इन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली. आ जा अरे भाई साहब, oh my god, finally, oh my god, I was struggling with this. yeah, to karna kya hai bachcho, bahut simple hai, ye dikh raha hai aapko. Once you create a profile on Vedantu, this is what you're gonna get. Theek hai, all, so imagine this is your crash course, you have joined in the crash course automatically, and this is where you get your entire schedule. If you want to join other courses, you have the my courses tab, you can find out all the courses there. And if in case you want to check out the replay and everything what I told you, go into past, every session which has happened. For example, this was my session for yesterday, from yesterday at 8:30 o'clock. You can see the replay, you can get the notes from here itself. In the replay, you can play the quizzes, notes, you can see the teacher's notes, completely done. You can find out all your tests and assignments here itself, content, shared tests and assignments will come here itself, not a problem at all. So karna kaise hai? Seedha jana hai aapko, go on to YouTube. Once you go on to YouTube, you'll find this session running. Or any session as per se. Hey, 1.3k likes. Thank you so much, people. Great job. Okay? If you go to the description of the video, you can find out. Subscribe to Vedantu Pro now. Click on Vedantu Pro subscription. Here the website opens automatically. Choose your board, grade and board, revision, see it. The one thing which you need to check out, apart from what I said, is results. Check out the results of CBSE 10th, 9th, ICSE 10th, 12th, everything, you check it out. Amazing. 1 month course is what you need to get it right now. 3 months is a bad idea. Go on to 1 month. That is enough. Let me tell that to you. One more suggestion. Why? Because this is what I'm hearing. As I always told you, I will be very honest with you guys. All the people who are getting into revision batches will be there till the end, no matter how much many months it goes on. That's what I've heard. I might be wrong as well. But even if you have to revise or, you know, renew the subscription after 1 month, you of course have the Pongal ka celebration. You will have your, you know,
26 जनवरी का सेलिब्रेशन जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑफर्स मिल जाएंगे, बट आई थिंक वन मंथ सब्सक्रिप्शन इज एब्सोल्युटली इनफ. करना क्या है, ठीक है, वंस यू लैंड इनटू दिस पेज क्लिक ऑन प्रोसीड टू पे. व्हाइल यू आर प्रोसीडिंग टू पे मेक श्योर दैट यू अप्लाई माय कूपन कोड विच इज AKPRO. द मोमेंट यू अप्लाई माई कूपन कोड द वन मंथ प्राइस विच वॉज 2700 कम्स डाउन टू 2160, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड. 3 months course which was 7000 comes down to 5600. This is not for just one subject, this is for physics, chemistry, mathematics, SST, English, biology, all the subjects with everything what I told you. And this break comes it down to just rupees 9, I would say. Ki agar maan lo main ki bhai 250 classes lete ho aap 2160 rupees mein, 250 classes in a month, you have the option of unlimited classes, but you just take 250, the money will come down to rupees 9, and 7 months will be 750 classes, it will come down to 7.5 rupees per class, and that's pretty less than your lace packet, right? So best teachers of the country, best content, best for that price. Go ahead people, check it out. Definitely this is the moment. Isko aur delay mat karo. Isko definitely delay bilkul mat karo. Theek hai? Ab main aapko jawab deta hu is sawal ka. Dhyan se sunna. Theek hai? One thing which you need to remember is with your hota kaise? Jab ek straight prism hoti hai, light refract hoke with your niche se banta hai. ऐसे बनती है, ऊपर से नहीं बनता, विवियर ऐसे बनता है. वायलेट सबसे ज्यादा डिविएट होगी, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, विल हैव द लीस्ट डिविएशन, करेक्ट. तो फ्रॉम द टॉप द थर्ड कलर इज येलो हियर, सो ऑफकोर्स दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर, इट शुड बी कलर ऑफ द स्काई विच इज ब्लू. इन दिस प्रिज्म अगेन विवियर विल बी हैपनिंग विच वे, VIBGYOR, दिस वे, बिकॉज violet will indicate the deviate the least, always towards the base, and red will be on the top. So from the top here I can see the third color is blue, so that becomes the correct answer. Yahan pe to fir chhod hi do, ye to dispersion hone mein mushkil ho raha hai, yahan pe bhi doesn't work out like that. That becomes the correct answer, correct people. Okay, moving to the last and the final question now, that's your eighth question. Let's check out the leaderboard now. Thank you so much Skanda, theek hai. Okay, remember that. The question was, when the third color from the top is the color of this cabbage is blue, and the prism is kept straight, the third color from the top is yellow. Vibhyor is from the bottom. Vibhyor is not from the top. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, it's from the bottom. Agar Vibhyor nahi pata hai, toh bhai Umang session dekh lo beta. Ye toh 8th standard padhte ho aap, hai na? Chalo. तो निजाम जी अभी भी टॉप पे, नमन जी सेकंड में, लकी ऑन दी थर्ड, अक्षत ऑन दी फोर्थ, प्रसून, मनोज, आदि, पप्पू पड़ोड़ा, वाह बेटा वाह, देयर इज अनदर नेम आई एम गोना कीप अ नोट ऑफ, गुड जॉब. फनिंद्र जी बेटा बल्ले बल्ले, बेटा बल्ले बल्ले. दिया जी कांग्रेचुलेशंस, वेरी वेल डन, मचा डाला आपने. निजाम जी मतलब चवन पर आशना फुल. आखिरी सवाल आप लोगों के लिए यार, आखिरी सवाल. हाँ, 1.4K लाइक्स. चलो बिफोर आई गो टू द लास्ट क्वेश्चन, लेट मी टेल यू all the best. The last question is super important, but that doesn't mean it is going to be super hardest also. Theek hai? So it's going to be really easy. Bas hari bari mein jawab mat dena. So all the best people, and do let me know how many of you guys are gonna go for the Vedantu Pro subscription. Batana mujhe abhi ke abhi. Aur agar channel pe nahi ho humare, make sure that you subscribe to the channel as well. Hit the bell icon so that you get notified about all these amazing sessions. Hit the like button also. 1500 पहुंच गए हम, ठीक है. 3, 2, 1, here it is. I can see a lot of you guys sitting with me. Hey, thank you so much. Looking forward to that. Subscribed? Okay. Just watch the video again, Ayush Shukla ji. Just watch the video again, ना जहाँ पे छोड़ा था. वहाँ से एक बार देख लेना, ठीक है. So YouTube is enough. Great ROG, जी, absolutely fine. See, it's completely your choice. अगर आपको लगता है कि थोड़ा और benefits चाहिए, तो ऑफ कोर्स वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन, वरना यूट्यूब में भी इज एब्सोल्युटली इनफ फॉर यू गाइस टू गो अहेड. बट या माई जॉब इज टू टेल यू द इन्फॉर्मेशन, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग ऑलवेज, है ना. इजी क्वेश्चन. इन द फॉलोइंग डायग्राम द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज शोन. इन दिस डायग्राम द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड द एंगल ऑफ डिविएशन रेस्पेक्टिवली आर. बस लेबल करना है आपको, जस्ट द लेबल, जस्ट द लेबल. एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन, एक्सट्रीमली इजी, वेरी इजी, वेरी इजी. Oh, Lakshmi ji, that's so beautiful of you. She says, Abhishek sir did not teach me to quit. Thank you so much, Lakshmi ji, means a lot. 40 seconds more. Sir, do I like my own video? If I use my personal account, then I definitely go ahead and like. Yeah. But from Vedantu's channel, I don't think we usually like it.
बट इफ इन केस वी लाइक इट वी डोंट व्हाट इज द रॉन्ग इन दैट आई एम टीचिंग यू समथिंग विच आई डोंट लाइक नो सो व्हाई वुड आई नॉट गो फॉर एंड लाइक इट माई सेल्फ अरे 15 सेकेंड्स मोर क्विटिंग इज नॉट इन माई सेल ओहो मोहम्मद जी थैंक यू सो मच बेटा मोहम्मद जी ग्रेट जॉब बहुत बढ़िया और आप लोग कैसे हो हाई फाइव टू एवरीवन एवरीवन इज सेलिंग मी हाई फाइव 6 सेकेंड्स मोर 5 4 फाइनल 3 2 1 एंड योर वीआईपी सीरीज फॉर टुडे इज टन पीपल लेट्स फाइंड आउट दिस इज इंटरेस्टिंग लेट्स सी हाउ इज इट ऑप्शन डी देन विल चेक आउट द लीडर बोर्ड्स इन अ मोमेंट है ना जस्ट गिव मी अ मोमेंट 8 क्वेश्चन हियर ऑन योर स्क्रीन angle of incidence emergence and angle of deviation angle of incidence is the angle between the incident ray and the normal many people put it down as x no angle of incidence always is the angle between the ray and the normal only the normal okay this angle of incidence so y is angle of incidence next angle of emergence of course it's q is angle of emergence again angle is always between the normal and the ray okay angle of deviation of course it's p hai na angle of deviation is your p the ray with the incident ray and the emergent ray so this is your angle of deviation so y q and p yes that's option d great job people before we check out the leaderboards let us go forward for the homework question you know you need to answer this homework question in the comments na comments pe aapko mujhe batana hai what is the answer to the homework number 2 you need to tell me which was your favorite part of the session today. You can also tell me if in case you want to tell me your favorite question for today. My favorite question was the level 2 part. Mere ko bahut maza aaya. Bahut mazey kiye humne. Pani doobne wale se mere liye bahut acha tha. Theek hai? Third part, let me know if in case you have any doubts from today's session. Theek hai? Aur jo bhi bacche is aise video dekhenge, not as a pre-made video, live video, make sure that you let me know all the answers one by one in the comment section. Sabka jawab dena mujhe. Aur batana mujhe ki time pe kar paye ki nahi. Theek hai? Chalo. Next session people. Super important atmospheric refraction twinkling of stars advanced sunrise delayed sunset not the right position of the stars everything right there okay yeah check out the link in the description of the pinned comment for the Vedantu Guru subscription and yeah if in case you are in some sort of pressure you know which video to watch spectrum of Vedantu channel exam pressure video let's go forward hey we have crossed 1500 likes da hey macha last leaderboard for today Naman did not get as much as Nijam. Looks like Nijam is winning. Hell yeah, buddy. Hell yeah. For the first time in any of our mentees, because I remember the names of all the students. So for the first time in any of our mentees, Nijam is winning. Give me a high five, Nijam. Fantastic. Naman, you did a great fight. Naman, you're on the second. Lucky on the third. Manoj on the fourth. Prasoon on the fifth. Diya on the sixth. Papuji on the seventh. Varshini on the eighth. Rizul on the ninth, who's an eighth grader. Fantastic. Elsa, love you too, beta, on the 10th position. Congratulations, people. Fantastic. The time to take the picture. Let's put this picture on our channel right away. Yes. So everyone, you can find out this picture on Vedantu's YouTube 9th and 10th story. Take the picture right now. The top 10 is there in the picture. Yes. So congratulations. Nijam, well done, buddy. Well done. Why are we congratulating you? Because you are the winner of CBSE 10th VIP series for the topic dispersion. Great job, yeah. Great job. Super. Great. Okay. So what should I put today, people? Epic, bindas, kya dalna hai, batao? Kya dalna hai? Arup sir is live. Acha, main nikal jaao. Ja raha hu, bhai, ja raha hu. Nice session. Thank you so much, people. All the new students. How was the session? You guys enjoyed it? Manan, bahut badhiya. Epic dalo. Epic. Theek hai. Epic dalte hain. Sticker. Epic. Yay. Great. Now, of course, Vedantu's tag. आजा yes. अरे गलत टैग आ गया रुक जाओ बच्चा एक मिनट
भेजा इतने चैनल हो चुके ना, टैगिंग गलत हो जाती है। हाँ नाउ इट्स फाइन। अरे ओके यस नाउ इट्स देयर। तो ये बच्चों हमारे चैनल पे जा चुका है, देख लेना ठीक है। जिनको पता नहीं कि कहाँ पे देखना होता है, कोई भी चैनल पे आप जाओगे, कोई भी चैनल पे जाते हो ना, तो उसका जो लोगो होता है ऊपर, उस पर क्लिक कर देने का, तो आपको वहाँ पे स्टोरी मिल जाएगी सारी की सारी, जो भी स्टोरी ठीक है। चलो हाँ यार ग्रेट। सर्दी नहीं लग रही? बिल्कुल नहीं लग रही बेटा, बिल्कुल नहीं लग रही है सर्दी। चलो अब हम अगले सेशन कब करने वाले हैं? ऑफ कोर्स द सेम टाइम नेक्स्ट वीक, वी नो विल बी कमिंग अप। स्पेशल न्यूज़ फॉर CBSE 10th ग्रेड, स्पेशल न्यूज़। जो भी बच्चे यहाँ पे, ध्यान से सुनना, स्पेशल न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है। दिस संडे मैं दोबारा बहुत बार आने वाला हूँ। दिस वीक आई एम गोना कम अ लॉट ऑफ टाइम्स CBSE 10th, यस। द फर्स्ट रीजन, विथ योर 2 months और 60 days स्ट्रैटेजी, आई विल बी कमिंग दिस वीक फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स हु आर गोना स्टार्ट स्टडिंग नाउ, फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स हु स्टडीड गोना रिवाइज, with the plan for all the students who have studied and revised and now what to do. For all these 3 people, I'm going to come up this week. Okay? Check out those videos. Excited for that video? Excited for that video? Do let me know. Okay? And similarly, I'll do the 1 month strategy also later on, but don't worry about it. Second reason I'm going to come up with is with a motivation video. And that motivation video's topic is going to be, can you ace this CBSE 10th board examination during this pandemic? And what you exactly need for doing that? That's going to be a motivation. That's what's gonna come. Third thing is a video which a lot of you guys have been asking from really long time. Electricity one shot. Okay? Electricity one shot is what I'm gonna come with. All of the things might be happening this weekend. So yeah, be ready. Electricity one shot actually maine bana diya hai aur editing bhi maine ki hai isme. And you will be surprised to see that video. Check out that video and you will see a lot of humorous and a lot of interesting things going on in that. Do check it out. Okay? Chalo. Great? Okay, bye-bye. Bye-bye, dear. We'll see you guys in the next session. Thank you so much for making this session, as always, amazing. Hit the like button if in case you haven't. Share this video as much as possible. Comment down all the things I've asked you. Subscribe to the channel if in case you haven't. Press that bell icon. Also, do not forget that. And also, subscribe to Vedantu Pro subscription for amazing results. Until we next time, this is Abhishek signing off for today. I'll catch you guys in the next one. Peace.